हेलो एवरीवन, किचन विद पूजा में आपका स्वागत है। आज बनाने वाले हम बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लौकी के पराठे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जिसे लौकी नहीं भी पसंद होगी उसे ये पराठे बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते बनाना। यहाँ मैंने 1 kg के बराबर ताज़ा लौकी ली है। सबसे पहले हमें हटाना होगा लौकी का छिलका। सारा छिलका इस तरह से उतार लेंगे हम। अब मैंने लौकी का सारा छिलका हटा लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। इसके लिए जो मीडियम होल वाला ग्रेटर होता है उससे कद्दूकस करेंगे। अब मैंने पूरी लौकी को बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा हाथों में लेंगे और दोनों हाथों से निचोड़ेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो निकल जाएगा। अब मैंने लौकी से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 गिलास गर्म पानी रखना है। पानी को हमें हल्का गर्म करना है 2 मिनट के लिए। जब पानी 2 मिनट बाद गर्म हो जाए तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और उसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे और इसे सूजी को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की हेल्प से। अब हमने जो लौकी को कद्दूकस किया था उसमें 2 कप नॉर्मल गेहूं का आटा और सूजी का मिक्सचर ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 मीडियम प्याज कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट जिससे इसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, सभी को ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। फिर इसमें हम 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, जिससे कि हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब हमें नॉर्मल रोटी का डो तैयार करना है। हमें पानी कम ही यूज़ करना है। हमें हल्का हल्का करके इसमें पानी ऐड करना है। अब हमारे पराठे का डो तैयार है। अब हम गेहूँ का थोड़ा सूखा आटा लेंगे। अब हमें इसकी लोइया बनानी है। इसके लिए हम थोड़ा सा आटे का डो लेंगे, फिर इसकी हम गोल लोई बनाएंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा गेहूँ का सूखा आटा लगाना है हमें। इसी तरह हम 4-5 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमारी लोइया बनकर तैयार है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। इसके लिए आपको 1 लोई लेनी है और बेलन की हेल्प से गोल रोटी बेलेंगे। रोटी को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हमें इसकी गोल पतली रोटी बेलनी है। मैं यहाँ पराठों का गोल शेप ही रखूँगी, आप चाहो तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हो। अब हमें पराठों को सेकना है। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके तवा रख दिया था और रोटी को हम तवे पर रखेंगे। अब इसके हम चारों तरफ घी लगाएंगे और गैस को हमें मीडियम रखना है और इसे नीचे से अच्छे से सिकने देंगे। जब ये नीचे की तरफ से अच्छे से सिक जाए तब हम इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर फिर से घी लगाएंगे। घी को हमें चारों तरफ चम्मच की हेल्प से अच्छे से फैलाना है। अब हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह सारे पराठे सेक लेंगे। अब हमारे सारे पराठे बनकर तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे मसाला दही और टमाटर सॉस के साथ। आप इसे बच्चों के टिफिन या सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।